काम करने जा रही हूँ। डोंट वरी, मैं उसे जानता हूँ। मेरी बात सुनो, एजेंट को इस लड़की से प्यार हो जाता है, एजेंट शायद परेशान होगा, लड़के का किडनैप होता है, कोई आदमी एजेंट के बारे में जानना चाहता है, वो क्या करेगा और वो उस लड़की के साथ क्या करेंगे? क्या इसकी कोई वजह? हाँ, तुम्हारे दाएं कंधे के पीछे। वो या हम? आखिर मुझे कैसे पता? क्या इससे फर्क पड़ता है? अगर तुम रिश्ते बनाना चाहते हो तो कुत्ता पाल लो। चैनल 4। दत्त, मेसन, जरा ये माइक ठीक करोगे? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें कपड़े भी अच्छे से पहना सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम सब कुछ देखना जो चाहते हो। तुम भी ना। Henley, right. We have confirmation. It's definitely a credible threat we've got. हमारे पास 20 मिनट है। तैयार हो? मेसन, तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। Com check 1-2. Good hunting. Copy. कैसे हो एम्बेसडर? मुझे आपके कपड़े चाहिए। हमें लगता है कि आज सुबह शायद आपकी जान को खतरा है। टारगेट मेल है, कोकेशियन, 35 या 40 का होगा। उसके लिए जिंदगी दांव पर लगाओगे? नहीं, ये तुम्हारे लिए है। यहीं पर पीटर। मैं येलो बिल्डिंग में हूँ, ग्रीन शटर, क्लॉक टावर के बाईं तरफ। कितनी रुकावटें हैं? बहुत सारी, ये मुझे पसंद नहीं। इसे जाने तो हम ये नहीं कर सकते। हम इसे नहीं छोड़ने वाले। वो जैकेट हमें सर पर गोली लगने से नहीं बचा सकती। अभी तो सरदर्द हो रहा है। ब्लू सूट, 2 o'clock। मिल गया, वो जा रहा है। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अपना निशाना वहीं रखो। शूट मत करना, रुक जाओ, वो तुम्हारे लिए भी बड़ा। शूट मत करना। तुम ठीक हो? जीसस, जल्दी करो। चलो चलो, मेरी लग गई। उसने तुम्हें देख लिया इसलिए मारना पड़ा। आखिर तब मैं क्या करता, बताओ? कौन लोग हैं? ऑर्डर लेना सीखो। यहाँ की पुलिस। बाहर एक आदमी है जो बोल रहा है तुम्हें जानता है। हे
हेलो पीटर। बस इतना ही? हेलो, हाय, कुछ नहीं, कोई खुशी नहीं। इतने दिनों के बाद भी तुम बर्लिन से बाहर ही हो? बर्लिन? बिल्कुल नहीं, जगह बदल गई है मेरे दोस्त। फ्रंट लाइन अब बेलग्रेड में है। अच्छे दिख रहे हो, कम से कम इससे तो अच्छे। कागन, रिटायरमेंट ने इसे मोटा कर दिया, पर इसे नहीं। ओ गॉड, क्रेग, उन्हें खतरा पता था, हमें भी पता है। हमने कातिल का पता लगाया। एलेक्सा डिबोइस्ट्रिया, मॉस्को की कॉन्ट्रैक्ट किलर, ये उन्हें ही अपना निशाना बना रही है जो हमारा काम छोड़ चुके हैं। एजेंसी सोचती है आरकेडी फेडरोव है जो मार रहा है, या और कोई है जो अतीत को याद कर रहा है। ये आदमी अगला रशियन प्रेसिडेंट बनने वाला है। इसका मुझसे क्या लेना देना है? नटालिया, इस पर गर्व होना चाहिए पीटर। तुम्हारे छोड़ने के बाद ये फेडरोव के बहुत करीब आ गई, पर ये दरअसल वापस आना चाहती है। उसे उस पर कुछ शक है, कुछ ऐसा जिससे कि वो भी डर रही है। क्या? एक नाम जिसका पता चलेगा तो सब बदल जाएगा। अगर वो सही हुई तो तुम्हें क्या लगता है वो कब तक आकर ये सब कर पाएगी? तुम जाओ और उसे बाहर लेकर आओ। मॉस्को से पीटर्सबर्ग, सरहद से पार हेलसिंकी में मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। उसने तुम्ही को कहा है, सिर्फ तुम्ही को। जब तक उसे बाहर नहीं लाते तब तक वो हमें नाम नहीं बताएगी, है ना? वो हमेशा से लाजवाब है। आपका ये पहला इंटरव्यू है प्राउडा के साथ, रिपोर्टर इंतजार कर रहे हैं। उन्हें करने दो, मिल लूंगा। Jones Airboy. Extra one standby. Monitoring. मेरे प्यारे चाहने वालों, स्वागत है। आप सब ने मेरा साथ दिया, इसके लिए शुक्रगुजार हूं और हमेशा रहूंगा। आज हम एक ऐसी ताकत से लड़ रहे हैं जो ये नहीं चाहते कि हमारा देश तरक्की करे, मगर उनके चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होगा। हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे और उन्हें बता देंगे कि हमें दबाना इतना आसान नहीं है। हम, हमारे लोग, हमारे पॉलिटिशियंस ने हमेशा इस बात को साबित भी किया है। उनके कुछ एजेंट्स हमारे साथ हैं जो हमें उनके इरादों के बारे में बताते रहते हैं। हमारी कोशिश होगी कि इस देश की बागडोर मैं अगले कुछ और सालों तक संभालूं। हम सबको साथ मिलकर अपने देश की तरक्की करनी होगी। हम सबको साथ मिलकर अपने दुश्मनों से लड़ना होगा। हम सबको साथ मिलकर उनसे लड़ना होगा जो नहीं चाहते कि हम तरक्की के रास्ते पर जाएं। हम उन्हें अपनी ताकत सिखा देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फैंटास्टिक। वाओ, इट्स सो क्या बात है। Thank you.
आपका चश्मा रह गया था। आप इसके बिना क्या करते? अभी आपने राष्ट्रपति जी की बातें सुनी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं उनकी बातों से पूरा सहमत हूं। मैं यहां से निकल चुकी हूं। तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही पहुंच जाऊंगी। ओके, बाय। मैं थोड़ी ही देर में पहुंचने वाली हूं। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या यहाँ ड्रोन का कोई लिंक मिल पाएगा? जी हाँ, जरूर। एक्सट्रैक्शन टीम से मीटिंग होगी करीब 4 मिनट में। हमारी नजर टारगेट पर है। टवार्स किया के उत्तर में जा रही है। अभी टारगेट ने मैसेज भेजा है। हम एक्स वैली से 5 मिनट की दूरी पर हैं। लैंगली लाइन पर है। वहाँ वक्त क्या है परी? तुम्हें इस पर नहीं होना चाहिए था। क्या उस औरत के पास फेडरो के खिलाफ वाकई कुछ है? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। वो एक्सट्रैक्शन लोकेशन के पास आ रही है। सर, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। कौन? लगता है कि एफएसबी है। बैठ गई। ये जो भी है हम में से तो नहीं है। लूसी कैसी है? तुम्हें बहुत मिस करती है। हाँ, मैं भी उसे मिस करती हूँ, तुम दोनों को। हम पास की सड़क से ट्रैक कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोकेशन दिख रही है। बुलेट कंट्रोल 42 को भेजो, मेसन साथ में है। नहीं पेरी, ये नहीं हो सकता। बुलगट कंट्रोल 42 को भेजो, मैसन साथ में है। ऑफ वन। कॉपी। 42 कंफर्म। 42 कंफर्म्ड। तुम्हारे पास एक नाम है, मुझे वो नाम चाहिए अभी और इसी वक्त। मुझे बताओ। मीरा फिलिपोवा। यस, मीरा फिलिपोवा। मीरा फिलिपोवा।
पीटर तुम कहे। पीटर, हमारी ही थी वाइनस्टीन। ये पुरानी बात है, अब वो हमारी नहीं थी, हमने बिल्कुल सही किया। सीसीटीवी से टैप किया है। वो क्या चल रहा है वहाँ पर? अब वो ये कंट्रोल रूम है। क्या हुआ है? आप टू रिस्पॉन्ड। वो गेवरॉक्स था। गेवरॉक्स यहाँ क्या करने आया था? डेवरॉक्स है कौन? पीटर डेवरॉक्स, हम लोगों का एक एक्टिव 77008। वो हैनली के साथ काम करता था। मैं अगली फ्लाइट से आता हूँ, मैसन को वहां लाओ। चलो जल्दी से ले चलो। मेरा फिलिपोरा, बंद कर दिया।
की। मुझे लगता है ये आपकी है। इधर आओ शैतान बिल्ली। I'm so sorry। ये मेरे घर पे बहुत वक्त बिताती है, इसे किराया देना होगा। ये तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद करती है। क्या तुम अंदर आना पसंद करोगे एक कप कॉफी पीने के लिए? मैंने अभी बनाई है, मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। सॉरी फोन। हेलो सुनो, एलिस फोनियर कौन है? एलिस, मैं आपकी मदद करूं? हाँ, मेरा नाम एडगर सिंसन है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ और न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करता हूँ। अच्छा, इस आदमी के बारे में बात करनी है। अकार्डी फेडरो, रशियन पॉलिटिशियन। मैं इस पर कहानी लिखने वाला हूँ। अभी तक फ्लाइट कैसे नहीं आई इसकी, पता नहीं कहाँ आएगी। आ जाएगी। हाँ, अभी तो एक घंटा फ्लाइट के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, कॉफी पियेंगे। या श्योर। हेलो। हेलो, मेरा रिजर्वेशन है। रहने दो। गोली क्यों नहीं चलाई? यहाँ गोली क्यों नहीं चलाई? हाँ मिस्टर मैसन, तुमने गोली क्यों नहीं चलाई? वहाँ कोई डर नहीं था सर। उस आदमी ने तुम्हारी पूरी टीम को मार दिया, तुम पर बंदूक तान दी और तुम कहते हो वहाँ कोई डर नहीं था। जबरोक्स को इसका अंदाजा नहीं था, उसे मुझे वहाँ देखने की आशा नहीं थी। उसने बिल्कुल वही किया जो मैंने किया होता। हमने उसे मारना चाहा, उसने हमें मारा। सिर्फ दो सेकंड में तुम्हें अंदाजा हो गया? यस सर। जवाब बाकी है, तुमने गोली क्यों नहीं चलाई? उसने गोली क्यों नहीं चलाई? तुम्हें लगता है तुम डेवरॉक्स को जानते हो? मुझे उससे मिलने दीजिए, मैं उससे बात करूंगा, शायद मैं इस बात को आगे बढ़ने से रोक सकूं। तुम उसे नहीं जानते। मुझे पता है उसने तुम्हें कैसे ट्रेन किया। कोई रिश्ता नहीं। पर कुछ चीजें पीटर डेवरॉक्स के लिए मायने रखती थीं। वो लोग जो उसके करीब थे, वो लोग जिन्हें वो चाहता था, और उन खास लोगों में से एक को हमने मार दिया। अब वो हमारे पीछे आएगा अपनी पूरी ताकत के साथ। वो खतरनाक हो चुका है। उसने हमारे तीन आदमियों को मार दिया। डेवरॉक्स को मारने का आदेश है। क्या इस आदेश से तुम्हें कोई परेशानी है? मैं वही करूंगा जो मुझे कहा जाएगा। फ्लाइट नंबर 12789 एक घंटा देरी से उड़ने की संभावना है। सभी यात्री कृपया ध्यान दें, फ्लाइट नंबर 12789 एक घंटा देरी से उड़ने की संभावना है। हार्ड ड्राइव तो ठीक है। लगता है यहाँ पर कुछ है। क्या है देखें? हम यही तो खोज रहे हैं। यह आखिरी मिशन था जो हैनली ने किया। देखता हूँ और क्या मिल सकता है। सब कुछ बकवास था। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है।
हे हेल, कैसी हो तुम? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इस लड़की को देखो, मेरा बेलग्रेड में लेट 90s में आई यूएन रेफ्यूजी। वो बचाई गई इन दोनों के द्वारा और फिर एक सोशल वर्कर को सौंप दी गई थी। ये औरत एलिस फॉर्नियर, दो या तीन और लड़कियां फ्रेंड्स थी, नहीं धंधे वाली थी। आखिरी रिकॉर्ड तुम्हारे मीरा का 10 साल पहले का है। अगर वो अपनी फ्रेंड्स की तरह कुछ करती तो शायद मारी गई होती। इसके बारे में बताओ। ये रहा रिकॉर्ड, इसका बिजनेस है डबाया लेनर रेस्टोरेंट। तुम्हारा स्वागत है। बेलग्रेड एयरपोर्ट पर आने वालों में उसका बायोमेट्रिक मिला है। वो 4 घंटे पहले वहां था। यहां वो सीधा कैमरे पर देख रहा है। अच्छा, ओके। हाँ, मेरे पास हैनली का क्रू है, उसके पास कुछ है। हैनली के आदमियों के पास शायद कुछ है। ऑथराइजेशन एंड एक्सेस कोड्स पॉजिटिव। गो अहेड। यस, दिस इज योर्गन। मुझे एक सब्जेक्ट का लोकेशन इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर्नियर एलिस, सेल नंबर 7536-5423। एक सेल फोन का लोकेशन पता करो। फॉर्नियर एलिस, सेल 7536-5423। करंट लोकेशन कदार्स का 32। मुझे लगता है कि वो रेस्टोरेंट है। थैंक यू। हैनली के स्टेशन पर कितने हैं? 2। दूसरे को कॉल करो। उठा रहा है। ये डिवरॉक्स है। धन्यवाद तुम मुझसे मिलने के लिए आए। प्लीज सिट डाउन। मैं देर तक नहीं रुकूंगी। और सुनाओ। थैंक यू। नहीं तुम कुछ लोगी? नहीं बस पानी। तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? ज्यादातर घूमने में समय निकल जाता है। तो वेटर, हाँ, मार्केटी फेडरो के बारे में बात करें। और कामकाज? जहाँ मैं काम करती थी वहाँ ये नाम बहुत सुनती थी, पर ये पुरानी खबर है। मेट्रोसिटी रियलिटी टीवी की तरह, यहाँ हमेशा कुछ नया होता है पुराने को भुलाने के लिए। हाँ, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, पर फेडरो जो है वो अब रशिया का प्रेसिडेंट बनने वाला है और दुनिया उसके बारे में जानना चाहती है। जब फेडरो सिर्फ जनरल था तो वो किसी के संपर्क में नहीं था, लेकिन अब बात अलग है। वो असुरक्षित है क्या? क्यों, तुम्हें नहीं लगता ये उसे खतरनाक बना देता है? हाँ, ये लोग हमेशा बड़ी बातें करते हैं, पर आखिरकार उन्हें अपनी औकात पर लौटकर आना ही पड़ता है। तो तुम स्टोरी लिखकर इनाम पाना चाहते हो? हाँ, कोशिश तो जारी है। तुमने नहीं देखा वो कैसे हैं जब वो पास आते हैं? बहुत सी लड़कियाँ, डरी सहमी हुई लड़कियाँ। सोचा है तुम्हारी स्टोरी उनके लिए क्या करेगी? ये अपराध है, फेडरो को शर्म आनी चाहिए। ये दुनिया के सामने आना चाहिए। देखो, अगर तुम्हारे सेंटर की लड़कियां मुझसे बात करती हैं और अपनी स्टोरी बताती हैं, मैं उनकी मदद करती हूँ, पॉलिटिक्स के लिए यूज नहीं करती। ये लड़कियां बहुत झेल चुकी हैं। आई एम सॉरी, शायद तुम्हारी बात सही हो, पर फेडरो को कोई नहीं रोक सकता। मुझे कोई नहीं निकलना ही अच्छा। तुम मुझसे मिलने के लिए राजी हुई?
पर कोई तरीका है जिसे तुम मेरी मदद कर सको? क्या आप एलिस फोर्नियर हैं? यस। आपके लिए एक कॉल है ऑफिस में। वो कहते हैं आपका सेल फोन काम नहीं कर रहा है। मैं हमेशा आता रहता हूँ यहाँ। इस तरफ प्लीज। एक्सक्यूज मी। ओह अच्छा। ओह यस हेलो। रुको वहीं रुक जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जिस औरत के साथ हो वो एक किलर है। अगर तुम गई तो मारी जाओगी। पीछे घूमो, पीछे घूम जाओ। मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूँ। भागो फौरन, भागो। एलिस पीछा करो, वो बचने नहीं चाहिए। Come on, come on! साइटोर वो मार्केट में ही होगा, जाओ जाके ढूंढो उसे जल्दी। मेसन कमाल है, तुम्हारा नंबर अभी वही है, क्या हाल है? एक्चुअली मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुम्हें कुछ देर के बाद कॉल बैक करूँगा। वो सेल स्कैनर ले आओ। नहीं अभी बात करते हैं। करें, तुम जो कर रहे हो करते रहो। आई डोंट माइंड। एक सिनेरियो और टारगेट एक औरत के साथ जो मुझसे 30 सेकंड की दूरी पर एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर। अपने टारगेट के बारे में बताओ। आदमी बुढ़ा जिसके पास स्किल्स होता था। होता था, उसे लगता है अभी भी उसके पास है। यहाँ? हाँ, पर वो घमंडी है, यकीन है पकड़ा जाएगा। उसने पहले ये गलती कर दी है। तुम्हें वाकई लगता है सिक्स एजेंट ये कर पाएगा? ट्राई करो। जबर बोलो कौन थे? पुलिस वाले थे क्या? नहीं, वैसे ही। तो तुम आखिरकार हो कौन? कौन है तुम? चाहते क्या हो? एलिस, एलिस, चुप हो जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। मुझे यकीन है पर उन्हें नहीं है। अब तुम अगर यहाँ से निकलना चाहती हो तो मुझ पर यकीन करना होगा। ओके एलिस, एलिस रुको, एलिस। मुझे पता था तुम कॉल करोगे। तुम अपना दायरा खो रहे हो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, तुम कंट्रोल खो चुके हो। तुम जानना नहीं चाहते मैं मॉस्को में क्यों था, मेरे ऑर्डर्स क्या थे, किसने भेजा था मुझे? बात करते रहो। तुम मिलते क्यों नहीं डेवरॉक्स? हम इस पर बात करेंगे। नहीं, ये मेरी लाइफ है, मैं ही रूल्स बनाता हूँ। कमान बच्चे, मुझसे कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग बातें करो, शायद मैं कोई गलती करूं। तुम मुझे उतना मौका तो दो। ये तुम्हारी भूल होगी। अपना फोन मुझे दो। मैं कहाँ हूँ? कमान मेसन, कहाँ हूँ मैं? हाँ, ये कॉल इस फोन से ब्रॉडकास्ट हो रही है। स्कैनर को लग रहा है कि जेक का फोन ड्योरक्स का फोन है, इसलिए ये इतना पास दिख रहा है। तुमने कितने लोगों को मारा है मेसन? क्या अभी या अगले 5 मिनट बाद? तुम इसके बारे में कभी सोचना जब कॉफी पी रहे होंगे या कुछ और, या किसी खूबसूरत औरत या बच्चे को देख रहे हो, तब याद करना कितनी जिंदगियां ली है तुमने। उस तरफ होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। बेवकूफ, मैं गहरी नींद सोता हूँ।
मुझे पता है डेवरॉक्स, तुम मुझे नहीं चाहते हो। मार दो गोली मुझे। अच्छा है, अगर तुम मेरी पोजीशन बता दो। मैं हमेशा किसी अच्छे मकसद के लिए मरना चाहता हूँ मेसन। डर दुश्मन है, ये तुमने ही सिखाया था। हाँ, पर अभी तुम्हारी शिक्षा खत्म नहीं हुई बच्चे। मैं अभी आके तुम्हें बताता हूँ, बस वहीं रुक जाओ। तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते बच्चे, तुम खाली डब्बे हो पूरी तरह। न विचार है न कोई ज्ञान। तू बस बोलता जा बुड्ढे। ये मेरी बेइज्जती है, अपमानजनक है मेरे लिए, वैसा ही जैसा मॉस्को में होता है। हाँ, मैंने सच कहा ना। ये क्या है मेसन, यहाँ तुम्हारा हाथ थामने के लिए कोई नहीं क्या? वहाँ कोई नहीं जो तुमसे कहे कि ट्रिगर खींचो? वो कार चुरा रहा है, पास में पार्किंग लॉट कहाँ है? यहाँ इस तरफ। मुझे कोई पछतावा नहीं। नो रिग्रेट्स। और पता है जिन्हें मैंने मारा है उनका ध्यान भी मुझे नहीं आता। अगर तुम लकी हो तो मुझे मार पाओगे, वरना तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम सामने आके मुझे मारो। वो यही है, वो यहीं पर कहीं है। बहुत अच्छा बोलते हो तुम। तुम्हारी मेहरबानी का नतीजा है। ये तो क्या है, गेट बैक। मीरा फिलिपोवा इस वक्त कहाँ है? तुम ये नाम कैसे जानते हो? तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था? पता नहीं, शायद 3 साल पहले। मैं उसकी केस वर्कर थी। मेरा एक अच्छा दोस्त उसे खोजने की कोशिश में मारा गया। I'm sorry, पर मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो कहाँ है। वो औरत जो रेस्टोरेंट में तुम्हारे पास थी, वो एक प्रोफेशनल किलर थी, रशियन। और वो मोटर बाइक वाला आदमी CIA का आदमी था। CIA? वो लड़की जो भी जानती है, बहुत से लोग वो जानना चाहते हैं, और अगर वो उसे नहीं खोज पाए तो तुम्हें जरूर ढूंढेंगे। जिन औरतों की तुमने मदद की थी उनकी फाइल्स हैं? हाँ है। हमें ट्राम पकड़नी होगी। तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो? जो हमें मारना चाहता है, क्यों नफरत करते हो? हाँ? नफरत नहीं है, नहीं, बल्कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हें मारना चाहते हैं? आखिर में ये मुझे कहाँ मिलेगी? मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता। कुछ तो पता होगा तुम्हें, फ्रेंड्स, जगह जहाँ वो हमेशा जाया करती थी। लोग ऐसे ही गायब नहीं हो जाते। मैं नहीं जानती, समझे? अपने काम की वजह से। हाँ हाँ, वो गायब हो गए थे। तुम्हें लगता है वो वहाँ है, पर वो चले जाते हैं। उसने मीटिंग्स में आना बंद कर दिया। लोगों ने कहा वो यूज कर रही है, कोई चाल है। तुम्हें पता है ये आदमी कौन है? एक दलाल है। ये लड़कियों को कॉकस से लेकर उन्हें धंधे के लिए बेचता है। इसका नाम है लेबेजेंको। नहीं, इसका असली नाम है सिमियन डेनिसोव। ये फेडरोव का दाहिना हाथ था आखिरी चेचन की लड़ाई में। जानती हो अभी ये कहाँ है? हाँ, वो यही है, बेलग्राड में। कैसे जानते हो डेनिसन को? बस एक बार मिला था।
क्या मैं लेबेडिंको से मिल सकता हूँ? नहीं, उससे कहो पीटर डेवरो आया है। ठीक है, यही रुका। लाओ इधर, लाओ उसको इधर लाओ। चलो दवाई दवाई दवाई। कुछ खास नहीं देख रहे लो भाई है? हाँ, तुम भी कुछ खास नहीं देख रहे। आ जाओ। तुम इधर मेरे पास बताओ, कैसे आना हुआ इधर पीटर? एक जानकारी चाहिए। कोई है यहाँ बेलग्रेड में जो तुम्हें मारना चाहता है, और वो मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हें बता सकता हूँ वो कौन है, पर मुझे बदले में कुछ चाहिए। ठीक है, बताओ आप उनको, तुम्हारा हर शर्त मान लेगा। आप उनका पुराना दोस्ती है ना? एक्सक्यूज मी, आर्केडी फेडरोव। वो उन सबको मारने वाला है जो उसके करीबी थे पुराने दिनों में। अब मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। अपुन को? हाँ, तो वो फिर क्या करेगा? वो स्लेट को क्यों साफ करना चाहता है? कैसा खेल खेल रहा है वो? पीछे पलट जाओ, तुमको फौरन पीछे पलटने को मांगता। चेचन्या, ये गंदा भद्दा छोटा और गरीब कंट्री है क्या? ऑयल इधर पर बहुत ज्यादा मिलता है। वो साला चेचन टेररिस्ट अपुन को ये देना नहीं मांगता है। तो फिर एक दिन एक बिल्डिंग उड़ गया। बहुत सारा रशियन सिपाही अपने मम्मी डैडी के पास घर वापस गया, बन सलामत नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में। और बिल्कुल वैसे ही फेडरो ने अपनी गंदी लड़ाई लड़ी और मदर रशिया को उसका ऑयल मिल गया। ऑयल? तुमने बिल्डिंग गिराई? हाँ, फेडरो बहुत चालाक था और वो उसको मालूम था कि ऑपरेशन वो इस तरह हैंडल नहीं कर पाएगा, इसके लिए इसको सीक्रेट रखने का। उसे हम तुम्हारे लिए करें? शुरू से आखिर तक अपुन ने बस ये इच किया है, बैठे रहने का और सबको मरते देखने का। पानी लेंगे आप? ट्रीटमेंट के लिए सॉरी, अगर कुछ फर्क पड़ता तो मैंने बहस की होती। आप पीटर डेवरॉक्स के साथ थे 1998 से उसके रिटायरमेंट तक 2008 में। इस साल 17 अप्रैल को आप लॉजान गए थे और आपका नाम था सैंडर्स। एंड रीएक्टिवेटेड हिम। शो मी योर टिट्स। Excuse me? I assume that's why Weinstein sent you, isn't it? It certainly isn't for your acumen. Fuck you. Would you like being on top, working your way up the ladder? मुझे एक और आदमी ज्यादा पसंद आ रहा है, दूसरा आदमी कहाँ है? ये कमरा साउंड प्रूफ है। तुम्हें नहीं लगता मुझे ये पता होगा? मैंने ही इस फैसिलिटी की डिजाइन और यूज अप्रूव की थी। मैंने वो मैनुअल लिखा जिस पर चल रही हो। मुझे पता है तुम कब तक ये ऑपरेशनल प्रोसीजर बंद करोगी। आखिर समझती क्या हो तुम? तुम जानते होगे प्रोसीजर, और तुम ये भी जानते होगे कि मुझे राइट है प्रोसीजर बदलने का अगर जरूरत पड़े तो। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान जो हुआ उस आधार पर मैं इस प्रोसीजर को बदलने पर मजबूर हूँ। You know what? I don't give a fuck about the people I've killed. If by some stroke of pure luck... वरना मुझे मारने की हिम्मत तुम में नहीं है। बहुत अच्छा बोलते हो तुम, तुम्हारी मेहरबानी है। ये आखिरी बयान सही नहीं है जो तुमने दिया है। उसे उलझाए रखने में बहुत फायदा था सर। हाँ, उससे मुझे पता नहीं कि शायद वो भी तुम्हारे दिमाग में हो और शायद तुम पागल हो क्योंकि तुम्हारे पिता नहीं है। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। मैं उसे लाऊंगा। लाओगे? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो लगेगा जैसे तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। क्या अभी तुम उसकी तारीफ करते हो? करता था। खैर, इसमें देखना वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है।
यहाँ कैसे आ गई? ये बस आपके ही घर में रहना चाहती है। अरे ओ मेरी शैतान बिल्ली, तो मैं अपने कमरे में बंद कर दूंगी। ओके देन। ओके देन, ये क्या है? हम 8 हफ्तों से एक दूसरे को सीढ़ियों पर क्रॉस कर रहे हैं। आखिर तुम हो कौन? मतलब तुम थोड़े से अट्रैक्टिव और मिस्टीरियस हो, पर अभी तक हम एक दूसरे को जानते तक नहीं, मतलब मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता। डेविड। और मैं सारा। ये लो। शुक्रिया। तुम्हें लगता है कि मीरा जहां कहीं भी होगी वो ठीक होगी? ये लड़की फेडरोव की गवाह है और एक CIA एजेंट ने युद्ध शुरू करने का षड्यंत्र रचा है जिसमें सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, तो जो भी उसे पहले पाएगा वो फेडरोव को खरीद लेगा, और यकीन करो कोई उसे जरूर खोज लेगा। चलो। ऐसा होने के लिए क्या करना होगा? जो तुम चाहो ले लो, वही करो जो अच्छा लगे। अगर वो वापस आए तो क्या होगा? हमें जाना होगा। ये रही बॉटम्स अप। Cheers. मॉस्को में क्या हुआ था? जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। नाम क्या था उसका? नटालिया। क्या उन्हें मारने से सब ठीक हो जाएगा? बस शुरुआत होगी। तुमने मुझे बचाया क्यों? मुझ पर भरोसा मत करो एलिस, मुझे यकीन है तुम्हें निराशा ही होगी। Yeah.
सैटी, ये मुझे बहुत पसंद है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि ये मेरा फेवरेट है रशियन में। तुम्हें तो रशियन आती होगी। आती है, मेरे पेरेंट्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने सिखाया। कुछ कपड़े हैं जो शायद तुम्हें हो सकते हैं। क्या होगा अगर वो मीरा को तुमसे पहले पा जाए? फिर कोई तुम्हें नहीं चाहेगा, तुम्हारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। वो उसे मार देंगे, है ना? हाँ। और अगर वो किसी को ना मिली तो? कोई भी हमेशा छुप नहीं सकता। जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, ना ही मैं तुम्हें बचा सकता हूं। किसी ऐसी जगह जाओ जहां तुम्हें कोई ना ढूंढ सके, मैं भी नहीं। सिर्फ कैश यूज करना और इसके बजने का इंतजार करना। सारा, सारा, डेविड, मैं आ गया। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो तुम्हें नहीं मारेगा। जाने दो इससे।
इसे जाने दूं। और तुम क्या? गोलियां बाहर आने को बेताब हैं। उससे कहो उसे मेरी बात सुननी होगी। बोलो उसे। तुम्हें सुनना होगा। तुम्हें पता है वो क्या कर रहा है? वो सोच रहा है कि तुम किस लायक हो। वो तुम्हें नहीं मारेगा। इसने अभी तक नहीं सोचा है। पूछो पूछो इससे, क्या तुम बचाने लायक हो? क्या मैं बचाने लायक हूं? देखा, वो तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। तुम्हें इससे अपने सवाल का जवाब लेना होगा। मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, तुम हो। तुम हो। तुम इसे पसंद करते हो? हाँ, तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म करने का वक्त आ गया। क्या सिखा सकते हो तुम मुझे? तुम मुझसे हार गए थे, याद है? तुम क्या चाहते थे? मैं तुमसे बेहतर होना चाहता था। क्या मतलब है इसका? मुझसे बेहतर होने के लिए, किसी चीज में बेहतर होने के लिए, एक अच्छा इंसान होने? तुमने मुझे ड्रॉप क्यों किया? अब ये आया है। मैंने शूट किया क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। चॉइस हमेशा होती है। मेरे सवालों का जवाब दो। तुमने गलत चॉइस की थी। मैं आज रात यहाँ आया हूँ मेसन, तुम्हें मारने के लिए। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी कौन थी। ओ, तुम्हें लगता है ये नतालिया के बारे में है? नहीं, ये तुम्हारे बारे में है। तुम एक इंसान हो सकते हो या एक कातिल इंसान, पर दोनों नहीं। अंत में उनमें से एक दूसरे को दूर कर देगा। दोनों में से एक ही बचेगा। अब तुम्हें बस ये करना है कि मुझे दिखाओ कि तुम्हारे लिए अभी ज्यादा देर नहीं हुई। कम ऑन, नहीं। दूसरा चांस मेसन, दूसरा। तुम्हारा निशाना नहीं, बस अभी अलग हुआ है औरत की जान की नसों से। नहीं, बस अभी अलग हुआ है उस औरत की जान की नसों से जिससे तुम चिपके हुए थे। खोलो, क्या करोगे तुम? नहीं, रुक जाओ। ओह सीलिया, तुम जानना चाहती हो कि मैंने क्या किया? जानती हूँ मिस्टर हैंडी तुमने क्या किया है। जानना चाहती हूँ क्यों? नहीं, तुम नहीं जानती मैंने क्या किया या क्या करता हूँ। तो फिर आखिर तुम मुझसे कैसे पूछ सकती हो क्यों? चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो, तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ एजेंसी में क्या करते हैं? जानकारी इकट्ठा करते हैं। नहीं, जानकारी के होने से कोई फायदा नहीं। वो रातों रात बदल जाती है। और ज्ञान में ताकत नहीं होती, इंसान में होती है। हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और कोई भी इसे यहाँ पर सुन रहा है अपनी खोपड़ी के आधे दिमाग के साथ, तो वो समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आरकेडी फेडरोव के ओनरशिप की बात कर रहा हूँ। तुम सुन रहे हो? आरकेडी फेडरोव, इधर आओ। सर, वेलकम टू द होटल इंपीरियल। एलिस, तुम क्या कर रही हो? तुम ठीक हो ना? रेस्टोरेंट में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मुझे जो कुछ भी पता है आर्केडी फेडो के बारे में मैं तुम्हें बता दूंगी। मेरे साथ आओ। तुम्हें पता है इस वक्त वो शहर में एक यूरोपियन एनर्जी कॉन्फ्रेंस के लिए। तुम्हें इंपीरियल होटल पता है? नहीं, नहीं पता। तुम्हें देख के आश्चर्य हुआ। अच्छा, कुछ लोगी, कॉफी या कुछ और? नहीं, थैंक यू।
ये मेरी शर्म की दीवार है। वहां सैकड़ों लड़कियां थी जो युद्ध से बाहर आई थी, पर हमारी संस्था छोटी है। मैं अपना डिक्टाफोन लेकर आता हूं। वहां एक लड़की थी मीरा, गुंगी बनी हुई थी, पेड्रो को पसंद आई, वो उसे अपने करीब रखा पालतू बनाकर। मेसन डेविड एक्सिस कोड 39042। कुछ मत करना, ये तुम क्या कर रहे हो मेरे बाबू? नतालिया को मुझे मॉस्को में देखने की आशा नहीं थी, उसे तो ये भी नहीं पता था कि मैं आ रहा हूँ। तुमने क्या कहा था उसे? वो बस पिछले कुछ महीनों से वो गलत व्यवहार कर रही थी, लोगों ने सोचा कि वो बस एक बकवास बंद। ऐसा हुआ तो उन्होंने उसे मिलाने की सोची, उनके बिना जाने मैं उस तक नहीं पहुँच सकता था। अगर वो हमारी तरफ आती तो वो मारी जाती। तुम्हें भेजना ही बस एक रास्ता था। क्यों? क्यों? एजेंसी को सालों से शक था कि फेडरोव ने अपने ही आदमियों पर बिल्डिंग गिराकर युद्ध शुरू कर दिया है और इल्जाम चेचन नेशनलिस्ट्स पर लगा रहा है। फिर नटालिया मुझ तक पहुंची, कहा कि उसके पास आई विटनेस है जो बताएगा कि फेडरोव शामिल था। हमने किया था। तुम आखिर किसे? और तुम किन लोगों से बात करते रहे हो? हमारी तरफ का और था, और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। वही आदमी जिसने ये खबर पहुंचाई कि नटालिया कहां है, वही आदमी जिसने उसकी मिलने की जगह तय की, और वही आदमी जिसने उसे मारने का आदेश दिया। आ जाओ। डेवरॉक्स की एक बेटी है, उसका नाम है लूसी। ये फोटो 5 साल पुरानी है, वो अब 12 साल की होगी। नटालिया योब्रो उसकी मां थी और डेवरॉक्स ने इसे बड़ा किया। जब डेवरॉक्स बर्लिन में था तो उसने नटालिया को रिक्रूट किया, हमारे लिए जासूसी करने को राजी किया।
उसका पूरा एक परिवार है जो हमसे छुपा हुआ है। मीरा वाइनस्टाइन को तबाह कर सकती थी, इसीलिए उसने मेसन से नटालिया को मरवाया, इसीलिए वो मीरा के पीछे पड़ा है। वो लड़की वहां नहीं थी या चुप थी। उसके दोनों पेरेंट्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं। वो रशियन और इंग्लिश बोल सकती है। हर बात जो फेडरोव ने कहा उसने समझा। मैं यहाँ लिबिडेंको से मिलने आई हूँ। बैग उसे दो, हाथ उठाओ, तुम्हारी तलाशी लेनी है। कोई आ रहा है। इधर का एक वाई। पीटर डेवरॉक्स को मदद की जरूरत है। क्या मिला तुम्हें? ये औरत एलिस फोर्नियर, डिसीज्ड अप्रैल 2005, कैंसर। ये है कौन? ये तो डेवरॉक्स के साथ रेस्टोरेंट में थी। मैं बायोमेट्रिक मैच करती हूँ। वेलकम टू होटल इंपीरियल। जा रही हूँ आज के लिए फेडरो से मिलने। मैंने उसका सामना करने का फैसला कर लिया है। मेरा ऐसा मत करो प्लीज, वो तुम्हें मार देगा। ऐसा मत करो प्लीज। कौन हो तुम? सीमियन डेनिसन की तरफ से तोहफा हूँ। ये किस लिए है? जा सकती हूँ इधर की तरफ। हो गया ना तुम्हारा? आप कैसी हैं? ठीक हूँ। चलो जल्दी करो। मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ। मेरे पास ऑडियो फाइल मैच है, लेबल बदला गया है, मॉडल से दिया इंटरव्यू। मेरा नाम मीरा फिलिपोवा है। मेरे पेरेंट्स को रशियन जनरल और किजी पेट्रोव द्वारा मार दिया गया था, पर मैं बच गई।
आरकेडी फेडरोव अभी बेलग्राड में है एनर्जी कॉन्फ्रेंस के लिए। मुझे पता है वो कहाँ रुका है। नहीं मार सकते। तुम गलत हो। अगर मार सकते तो तुम मुझे कब का मारते थे। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या करने जा रही हो। ये मेरे परिवार के लिए है। ओह माय गॉड, मेरा बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, उनमें से तुम भी हो। वो गुस्सैल छोटी बच्ची जिसे पता भी नहीं था कि क्या होता है, और अब वो यहाँ पे। ओके ओके, तुम मुझे मार दो। मेरे लिए तुम्हें कच्ची गली से फूल बनाना एक हसीन याद की तरह होगा। शायद तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूं। मीरा नहीं, रुक जाओ। मैं चाहती हूँ कि ये मरे। मरेगा, पर मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ इसने क्या किया है। तुम्हारा फोन कहाँ है? ले आओ, जाओ अभी ले आओ और रिकॉर्ड करो। तुमने एक अमेरिकन ऑपरेशन को सपोर्ट किया चेचन टेररिस्ट के नाम पर। वो अमेरिकन एजेंट कौन था? तुम मेरी शर्ट पे बैठे हो। मेरा ये पकड़ो, जरूरत पड़े तो दोनों चला देना। सर,
तुम मुझे मारने वाले नहीं हो, ऐसा तुम सोचते हो। चलो एक छोटा सा खेल खेलते हैं, शायद इसकी खोज तुम्हारे देश में ही हुई है। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, वो अमेरिकन एजेंट कौन था? मैं फिर पूछता हूं, क्या वो वेस्टिंग था? कमॉन, ए चलो ऊपर। ओके, तुम अब नहीं बचोगे, अब तुम्हारी किस्मत साथ नहीं देगी। कौन था वो अमेरिकन एजेंट? वो वेस्टिंग था ना? पता था, हैनले, जॉन हैनले। क्या वो ये था, ये बीच वाला आदमी? मैं पीटर, ये है वो टकला आदमी। इस सर्विस एलिवेटर से जाओ। तुम क्या करोगे? हयात होटल में चेक करना, अगर मैं नहीं आया तो डच एम्बेसी में जाना, खुद को आइडेंटिफाई करना और उन्हें सब कुछ बता देना। अब जाओ, संभल कर। बेसमेंट में जा रहा है, वो बेसमेंट की तरफ ही जाएगा। पीछे की सीढ़ियां कवर करो। कहां गया वो? पता नहीं। इस तरफ जाओ। Oh!
इसे देख लेना। जीसस, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। क्या हुआ? वो अमेरिकन एजेंट कौन था? क्या वो वेस्टिन था? हैनली, जॉन, ये बहुत अजीब है। हैनली, इसे वाइनस्टीन के पास ले चलते हैं अभी। तुम रुको और तुम वापस लौट जाओ। बैठो। पता है यहां कौन बैठता है? तुम्हारा बॉस यहां बैठता है। मैं यहां पर बैठा हूं, तो बैठ जाओ। क्या हुआ? तुम भाग सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जहां जाना चाहो बता दो, मैं पहुंचा दूंगा। मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो लोग तुम्हें फिर से शुरू करने में मदद करेंगे, और वो लोग ये भी देखेंगे कि तुम फिर कभी ना मिलो। मैं फिर से नहीं भागने वाली। भागना मरने से अच्छा है। थैंक यू पीटर, मुझे बचाने के लिए। तुम्हें मरने देना कभी ऑप्शन नहीं था। चलो अब हमें चलना होगा। एक छोटे से लम्हे में बहुत कुछ बदल गया। तुम हफ्ते भर पहले क्या कर रहे थे? अपना जीवन जी रहा था। और पीटर डेवरॉक्स के जीवन में क्या था? साधारण चीजें। लुजॉन में एक घर, एक छोटा सा बिजनेस, एक कैफे झील के किनारे, और एक बेटी जो अपनी मां के बारे में कभी नहीं जान पाई पर अपने पिता को थोड़ा जानती है। उसका नाम क्या है? लूसी। 12 साल की है। अब वो कहां है? अपने पिता का इंतजार कर रही है कि वो उसे बोर्डिंग स्कूल लेने आए। लूसी, तुम कभी भी एक पिता की तरह नहीं दिखे पीटर। इतनी प्यारी छोटी बच्ची तुम्हारे डीएनए से आ सकती है, तर्क ही नहीं बनता। सच ना? शायद तुम कुछ कहना चाहते हो। मैं तुम्हें मार दूंगा अगर उसे खरोच भी आई। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या बात है पीटर, वाइनस्टाइन मेरे तरीके से अच्छा काम करे उससे जरूरी है लैंगली के लिए कि चाबी फेडरोफ की ओर घूमे। अब मैं ही यहाँ पर सब देख रहा हूँ पीटर। वाइनस्टाइन स्टेट्स में वापस गया और वो सरप्राइज दिखा जब उसे घर भेजा गया, पर उतना सरप्राइज नहीं जितना तुम अभी इस वक्त हो रहे होगे। पता है, अगर कुछ तसल्ली मिले तो वो तुम्हारा लड़का मेसन ही था जो मेरे लिए लूसी को लेकर आया। मैंने सोचा कि तुम्हें गर्व होना चाहिए, उसने अच्छा किया है ना। बैठकर अपने बाल नोचो, पर देखो ज्यादा मत नोचना। हाँ, लड़के ने अच्छा काम किया। ओके, फोर्ट्रेस ठीक 8 बजे, जहां वो चेस खेलते हैं। तो मुझे मीरा दो, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी दूंगा।
तुम हथियार हो मेसन, एक बहुत बढ़िया हथियार। मोहब्बत हो गई है तुमसे। हमें यहां से अभी तुरंत निकलना होगा। तुम रेलवे स्टेशन जाओ, दोपहर की ट्रेन की 3 टिकट बुक करो जूनिक की। वहाँ बॉर्डर कमजोर है। उन्हें तुम नहीं मैं चाहिए। हम वहीं पर मिलेंगे। लेकिन उन्हें तुम नहीं मैं चाहिए कहना। मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। और नहीं आए तो समझ लेना मैं नहीं कर पाया। वो हम सबको मार देंगे, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? तुम्हें इतना यकीन कैसे है? एक बुलेट 4000 फीट पर सेकंड से चलती है, साउंड की स्पीड से 4 गुना तेजी से। रफ्तार का पूरा असर है, और वो भी जबरदस्त। तुम बस गोली के सामने मत आना। पर तुम आ जाना प्लीज। आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। अटेंशन प्लीज, जूनिक जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। तुम खुद से मनाओ कि किसी को तकलीफ नहीं दोगे, एटलीस्ट उसे जिसकी तुम्हें परवाह है। वैसे तुमने ये खेल बहुत बढ़िया खेला। सच में तुम्हें पता है फेडरोव क्या करने वाला है? जब वो प्रेसिडेंसी बचा लेगा तो दुनिया बदल देगा, रशिया जुड़ जाएगा नेटो से। क्यों? क्योंकि मैं अपनी पैठ इतनी गहरी बिठाऊंगा कि वो मेरी भाषा बोलेगा। खरीद लूंगा उसे, इसीलिए तो हमने काम किया इतने सालों तक, और तुम जानते हो ये सब। वन कॉफी एंड वन चिकन पिज्जा। थैंक यू। तुम चलोगी? ओहो हाँ, मैंने फोन कर दिया था, आ जाएगी। जल्दी करो यार, चलो। मैं उसके बैग लेकर आई हूँ। हेलो, वाली मिस हो जाएगी तो फिर 15 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, चल दिया। जल्दी करो। हाँ, लगता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। हाँ, वो रेलवे स्टेशन पर है। अभी 3 टिकट्स खरीदे हैं अपने यूनिक क्रेडिट कार्ड से, वो वहीं पर होगी। थैंक यू। तुम्हें लगता है शायद, बस शायद तुमने इसके सहारे सीमा पार कर ली है। काफी वक्त पहले मेरे दोस्त। वैसे तुम्हें जिंदा होने का सबूत चाहिए ना? हेलो, तुम्हारे पापा। पापा आप हैं? कैसी हो मेरी बच्ची? पता है तुम डरी हुई हो, पर यकीन मानो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। मैं बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। मैं तुमसे इस दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू टू पापा। आई एम सॉरी, मैं वहां नहीं था जब तुम्हें मेरी जरूरत थी। ओके, मीरा फिलिपोवा कहाँ है? बस स्टेशन, नोवी साड जाने वाली बस, सुबह 9 बजे। बस स्टेशन, नोवी साड जाने वाली बस, सुबह 9 बजे। उसे लेकर आओ। तुम उसके साथ जाओ जोन्स। तुमने बच्चे को कम आकर, ये जिंदा रहेगा, तुम्हारी तरह नहीं। नहीं।
मीरा को लेकर आऊं? मैं अपना वादा निभाऊंगा, तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। तुम्हें याद है तुम्हें क्या बुलाया करते थे पीटर? द नवंबर मैन। क्योंकि जब तुम बीच से गुजरे कुछ भी नहीं बचा, पर कुछ चीजें कभी बदलती नहीं। स्टेशन उस तरफ है, शॉर्टकट धीमे करो। मैंने कहा ना गाड़ी धीमे चलाओ। सीट बेल्ट। गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। दीवार। मेसन तैयार हो? हाँ तैयार हूं। ट्रेन 15 मिनट देरी से चल रही है। नहीं, हमें 4 नंबर प्लेटफॉर्म। यात्रियों की असुविधा के लिए खेद है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ट्रेन 15 मिनट देरी से चल रही है। ओह नो, अब क्या करें, समय पर पहुंच भी नहीं पाएंगे। वही ना, इतने मैंने 15 मिनट लेट कर दिया। मतलब आगे जाने में आदत है। ऊपर से बॉस यहाँ चिल्लाएगा, काम कहाँ, मुझे जल्दी पहुँचना जरूरी था। हेलो, हमें फोन करके बता दीजिए। चेचन हादसे में एक भी अमेरिकन की जिंदगी नहीं गई, एक भी नहीं। बिल्कुल सही कहा। ईस्ट वर्सेस वेस्ट उसे छोड़ो, अब से ये एक सभ्य दुनिया है उस असभ्य मिडिल ईस्ट के अगेंस्ट। अब ये ऐसी लड़ाई है जिसे मैं समझ सकता हूँ, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम जीत सकते हैं। समझ में आया कुछ? हैनले, क्या तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ गर्मी है। हाँ कुछ ले लेते हैं यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ यार, मैंने बोला था ना। हाँ क्या
अब हा? मैं इसे यूज कर रही हूँ प्लीज. ओके थैंक यू. लूसी कहाँ है? जब ये हो गया तो तुम्हें उसे यहाँ लेकर आना चाहिए था. ये रही. तुमने हमें लड़ाई के दूसरे दशक में झोंक दिया. क्या मजाक है. उम्मीद है तुम्हें पता होगा. दरअसल बात यह है कि मुझे यह ऐसे ही पसंद है. थैंक यू. चलो ट्रेन पकड़ते हैं. कम ऑन. मेरा नाम है मीरा फिलिपोवा. जब मैं 15 साल की थी आखिरी फेडरो ने मेरे परिवार का कत्ल कर दिया और 2 साल तक मुझे बंधक बनाए रखा. उसने मुझे लगातार यातनाएं दी. उस वक्त के दौरान मैं फेडरो के CIA एजेंट जॉन हेनली के साथ षड्यंत्र की गवाह बनी. वो बमबारी सेकेंड चेचन वॉर की शुरुआत थी. चेचनियन रेफ्यूजी मीरा फिलिपोवा के आर्केडी फेडरोव और हाई रैंकिंग CIA ऑफिसर के बीच षड्यंत्र के खुलासे से राजनीतिक दुनिया में हलचल मच गई है, जिससे कि आर्केडी फेडरोव का प्रेसिडेंट का पद अब खतरे में पड़ गया है. रशियन एनर्जी मिनिस्टर के ऑफिस ने सारे दोषों को डिनाय कर दिया है. इस समय आरकेडी फेडरोव एक लंबी छुट्टी पर हैं और अपने लिए अलग अलग पॉलिटिकल ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं.